सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि किस तरह की प्रतिक्रिया जो है पेरेंट्स से या फिर रिश्तेदारों से आ रही है, क्योंकि जैसे जब मुझे डिग्री मिली थी तो मेरे से ज्यादा मेरे घर वाले और मेरे पेरेंट्स और मेरे रिलेटिव खुश थे, उस प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की है? ये डिग्री जो है ये सेंट मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी से है और इसके लिए मुझे डॉक्टरेट मिला है फिल्म प्रोडक्शन एंड सोशल एक्टिविस्ट के लिए, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे लिए क्योंकि नेल्सन मंडेला अवार्ड नोबल पीस अवार्ड जो मिला था उसके साथ साथ ही मुझे डिग्री भी मिली है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम होता है, कितना बड़ी जिम्मेदारी होती है डॉक्टरेट मिलना। डॉक्टरेट का मतलब ही इतना इतना बड़ा है कि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई कि आपको पूरे समाज ने एक बहुत बड़ा ओहदा दिया है आपके सराहनीय कार्य द्वारा। तो स्कूल के चाहे मुझे 10th स्टैंडर्ड मैंने क्लियर किया था या 12th स्टैंडर्ड के अच्छे ग्रेड से क्लियर था, लेकिन सबसे बड़ी जो खुशी आज मुझे मिली है वो ये है, और ये डिग्री ही अपने में बहुत बड़ी मान्यता रखती है। तो मैं बहुत खुश हूँ और मेरी फैमिली, मेरी मॉम, मेरी सिस्टर, सब कोई मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दे रहा है, और इससे बड़ी बेटर क्या होगा कि उम्र के इस पड़ाव पे जब मैं इतना कुछ काम कर रही हूँ और बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हूँ और इतना कुछ समाज के लिए कर रही हूँ, तो मुझे मेरी उपलब्धियों के लिए मुझे इतना बड़ा ऑनर मिला है, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपना मेरा साकार हुआ है। मैम दर्शकों को बता सकें, जब डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है तो कोई विशेष कार्य होता है जिसमें काफ़ी काम किया गया होता है, तो कौन कौन से कार्य थे जिस वजह से ये आपको डिग्री मिली थी? वैसे तो मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माँ शीला देवी संस्था से जुड़ी हुई हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ उसकी, उनके लिए मैंने काफ़ी काम किया है, हमारे मथुरा वासियों के लिए मैंने बहुत काम किया है, और मैंने शायद कभी सोशल मीडिया पे इतना मतलब नहीं बताया या मैंने नहीं लोगों को जानकारी दी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आपका किया गया दान या चीज़ें लोगों तक पहुँचानी चाहिए, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, तो वही मैंने फॉलो किया। और हाँ, अगर मुझे इसके लिए मुझे इतना अच्छा मतलब इतना बड़ा सम्मान मिला है तो इससे बेटर क्या हो सकता है। मैंने 5 इनिशिएटिव्स कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट आई साइन, मेरा हस्ताक्षर मेरी पहचान। दूसरा जो योगा से रिलेटेड है कि योग करना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड मेंटल हेल्थ एंड अवेयरनेस, जो कि वाव महासा द्वारा शोभा आर्य जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। और चौथा है ओल्ड एज इनिशिएटिव, ओल्ड एज केयर इनिशिएटिव, जिसमें मैं गई थी पनवेल के एक ऋषिवन करके ओल्ड एज होम में, तो मैंने वहाँ पे लोगों की चीज़ें देखी, दुर्दशा देखी, तो कितने बेचारे लोग हैं जो एक ओल्ड एज होम में दिन रह रहे हैं। और पांचवा एसिड विक्टिम जो हैं हमारे सर्वाइवल्स हैं, जिनको किसी परिस्थिति की वजह से या कुछ क्राइम की वजह से जो जिनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ठहराव आ गया, तो इन मैंने कोशिश की इन सबको एक साथ मिला के एक साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए कि हम हमारी जिम्मेदारी हम एक अगर इनिशिएटिव हम जो युवा पीढ़ी है एक एक इनिशिएटिव लेके तो देखिए कितना अच्छा लगता है। मैम ये जानना चाहेंगे कि आपने इतना मानवता वाला काम किया, सामाजिक काम किया है, एक पुरुष जब सक्सेस होता है कोई अच्छा काम करता होता है, नारी शक्ति का हाथ है, मैं जानना चाहूंगा कि इस नारी शक्ति के पीछे किसका हाथ है, कहां से प्रेरणा आती है? ये प्रेरणा शायद बहुत बहुत सारे थपेड़े, बहुत सारे मैंने तकलीफें झेली उसकी वजह से आई है। हाँ, एक शक्ति थी, वो मेरी माँ की दी हुई थी और भगवान जी की, अल्लाह ताला की दी हुई थी, जिसने मुझे मजबूत बना के रखा। जब इंसान शायद इंसान आगे बढ़ता है, कुछ अच्छा करता है, तो अब शायद अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। इस टाइप की उपलब्धि या इतना बड़ा कहते हैं ना सक्सेस या इतना, तब शायद मिल पाता है जब आपने एकदम कहते हैं ना ठान लिया हो कि मुझे ही करके ही दिखाना है, और मैंने अपने सपनों को अपने अपनी चीज़ों को संजोकर मैंने आगे बढ़ने का सोचा, और मैं डरी नहीं, मैं थमी नहीं, और आज आपके सामने अपनी बातें रख पा रही हूँ। ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे काम तो आपने किए हैं, कुछ और भी जो सामाजिक काम होंगे जो आपने सोचे होंगे कि ये भी कुछ करना है, अगर कुछ ऐसे सोचे हुए हैं तो आप जरूर बता सकते हैं दोस्तों? जरूर, आगे आना वाला हमारा जो इनिशिएटिव है, जुनैद शेख जी ने जो भी अनाउंस भी किया था कि साइबर क्राइम से रिलेटेड, क्योंकि कितने साइबर क्राइम्स होते हैं, लोगों का अवेयरनेस नहीं है, चीज़ें नहीं है और लोग ट्रैप हो जाते हैं, तो हमारी यही कोशिश है कि हम एक सही चीज़ अपने समाज में एक नई कहते हैं ना क्रांति ला सके, तो ये है। और हाँ, एक चीज़ और है, मैं ज़रूर करूँगी, मैं रुकूँगी नहीं इसके लिए, और वो इनिशिएटिव है धर्मवाद हटाना। मैं चाहती हूँ कि हम ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से निकल कर
हम अपने देश के लिए सोचें, धर्म बड़ा है, माना धर्म बड़ा है, लेकिन एक जो हिंदुस्तानी, एक भारतवासी होने का फ़र्ज़ है वो भी किसी चीज़ से कम नहीं है। तो क्यों ना हम एक संकल्प लें, एक प्रॉमिस करें अपने आप से, सिर्फ हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सिर्फ मुंह से ना बोलें, उसको सीरियसली अपनाएं भी। थैंक यू।